आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक से विनेश फोगाट की वतन वापसी पर हरियाणा की महिला खिलाड़ियों ने उन्हें बधाई दी। महिला खिलाड़ियों ने कहा कि आपने दिल जीत लिया, हमारे लिए आप ही विनर हैं। विनेश फोगाट, वर्ल्ड चैंपियन विनेश फोगाट, ओलंपिक में भले ही भारत को पदक नहीं दिला पाई लेकिन पूरे देश का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया, ऐसी विनेश फोगाट। इस वक्त हम उस हरियाणा में मौजूद हैं जहां से उस बेटी ने जन्म लिया। हरियाणा की उस मिट्टी में आखिर है क्या, ये क्यों इतने ही खिलाड़ियों को ऐसे ही पैदा कर देता है, ये जानने के लिए आज हम एक स्टेडियम में आए हैं। ये ब्रिगेडियर रण सिंह कबड्डी एकेडमी है, दरअसल बेरी विधानसभा है और उसमें एक गांव है डीगल गांव, और यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो लड़कियां हैं और ये खिलाड़ी हैं, ये हो सकता है कल की विनेश फोगाट हो, क्योंकि देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बास्केटबॉल खेल रही हैं। कैसे आप लोग खेल में आना कितना आप लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती रहता है या मन लगता है? मन लगता है, खुशी मिलती है। हाँ जी मैम। तो कैसे आप, इससे पढ़ाई सफर नहीं होती? हो जाती है। होती है हमारी तो। आगे आओ ना, आगे आओ। ये बताओ, विनेश फोगाट भारत पहुंच चुकी है, दिल्ली एयरपोर्ट पे आई, वो थोड़ी सी भावुक भी हो गई, रोने भी लगी, क्या कहना चाहोगे आज विनेश को? कि रेगुलर रहें, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें ताकि जो ये है ये हम कवर कर सकें, इंडिया को एक बार और फिर से जिता सकें, बस इतना ही। आप भी लाओगी मेडल? ऑफकोर्स। कोई लक्ष्य रखती हो जब खेल इस मैदान पे आई हो तो इस मिट्टी को छूना पसंद करती हो, इस ग्राउंड को छूती हो? ऑफ कोर्स, दैट इज अ डेडिकेशन ऑफ ऑल द प्लेयर्स प्रेजेंटली हियर, दे आर ऑलमोस्ट स्टेट मेडलिस्ट, एनीवन इज नेशनल मेडलिस्ट, दे ऑल वांटेड टू बी सम एट पोजीशन इन अ स्पोर्ट्स, दे ऑल वांट टू। तो देखिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के भी मेडलिस्ट यहाँ पर है, बहुत सारी लड़कियां हैं, कहीं तो इधर उधर भागने की कोशिश करी, फिर भी कोशिश करूंगी मैं इन्हें पकड़ने की। चलिए कुछ और, बहुत सारी, देखिए सारी जो है वो गर्मी से परेशान हो रही है। अच्छा विनेश फोगाट भारत पहुंच चुकी हैं, ओलंपिक में भले मेडल नहीं जीता, डिस्क्वालीफाई हो गई, लेकिन उन्हें आज क्या मैसेज देना चाहूंगी? उन्हें यही मैसेज देना चाहेंगे, कभी ना कभी तो मेडल आएगा ही, मेहनत करते रहना चाहिए। आज आप यहाँ पर हो, आप क्या खेल रही हो, कौन सा खेल पसंद है और किस तरीके से ये जो संघर्ष की कहानी है कहाँ से शुरू होती है? मैं 2021 में स्टार्ट किया था मैंने खेलना। अच्छा। फर्स्ट गेम मेरा हैंडबॉल था, उसके बाद मैंने नेटबॉल टूर्नामेंट्स खेले, उसके बाद बास्केट टूर्नामेंट्स खेले। अच्छा। तो अब क्या सपना है? सपना यही है कि किसी ना किसी फील्ड में इंटरनेशनल जरूर खेल के आना है, किसी न किसी फील्ड में इंटरनेशनल खेलना है, और यहीं से जो इनका एक संघर्ष की कहानी है वो शुरू होती है। ऐसे ही कोई भी खिलाड़ी नहीं बन जाता, ऐसे ही कोई भी ओलंपिक नहीं पहुंच जाता, उसके लिए एक बहुत बड़ा जो रास्ता है वो तय करना पड़ता है। क्या कहना चाहोगे विनेश दीदी, आज भारत पहुंच चुकी है और जब दिल्ली पहुंची तो उनकी आंखों में आंसू थे? दुनिया ने जीतन दो सोना, यो दिल जीत राख्या विब्बे ने। समझे आप क्या कहा, कि दिल जीत चुकी है विनेश, है ना? हाँ जी। क्या कहोगी? हाँ, हमारा भी उन्होंने दिल जीत रखा है, हम भी यही कहना चाहते हैं, और हम उनसे प्रेरित होकर, हम अगर वो गोल्ड मेडल नहीं लेके आई तो कोई बात नहीं, हम अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जरूर लेके आएंगे। वाह, वेरी गुड। क्या कहना चाहोगी आज? उन्होंने दुनिया का दिल जीत रखा है, 31 करोड़ भारतवासियों का और हमारा भी। अच्छा मैच देखा था? हाँ जी। कैसा लगा, एक के बाद एक जो दांव चल रही थी सेमीफाइनल तक? अच्छा था, बिल्कुल अच्छा था, बहुत जबरदस्त था। हाँ? हाँ। कैसे देखिए, केन्या और कौन कौन से देशों के खिलाड़ियों को ऐसे पटक रही थी। हाँ? बिबिन वो आ रही है जो आज तक नहीं आ रही थी, बहुत गर्व की बात है, ये चलती रही है बाने। ये बात है, देखिए 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन, साथ ही साथ तमाम देशों के ऐसे ऐसे खिलाड़ी जिन्हें आज तक चित नहीं किया गया था, ऐसी खिलाड़ियों को अपने दांव से विनेश फोगाट ने चित कर दिया था और उसके बाद पहुंची थी फाइनल, लेकिन मात्र 100 ग्राम वजन अधिक होने से वो 50 किलो की कैटेगरी में नहीं खेल पाई और उसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालिफाई यानी अयोग्य करार दे दिया गया, और उसके बाद हमारी आज भारत की बेटी, भारत
दिल्ली पहुंची है, देश की राजधानी दिल्ली में पहुंची है और उनका जबरदस्त स्वागत हो रहा है। हरियाणा सरकार जो है उन्हें गोल्ड मेडलिस्ट के तौर पर नवाज रही है, पूरा देश उन्हें आज सलाखों पर बिठाए हुए हैं, भव्य स्वागत किया जा रहा है, सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो विनेश बस आप यही कहना चाहेंगे कि आप रोइए मत, क्योंकि बेशक आप मेडल नहीं लाई हो लेकिन इन करोड़ों देशवासियों का दिल आप जीत चुकी हो। कैमरामैन अभय के साथ व्याघ्रवाल, हरियाणा न्यूज 24। और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं।